I could find the words to describe you now. As I'm lying next to you and the world goes quiet, wish that I could make you see how you fit me perfectly. And I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. In a world where hope grows thin, you've completed me. And the story left within tells me how to breathe. Wish that I could make you see how you fit me perfectly. And I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. Hello everyone and welcome to our channel Desi Couple on the go, जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जाते हैं बहुत सारे places. और जैसा कि आपको हमारे background में दिख रहा होगा, ये हम लोग खड़े हैं अभी इस amazing beautiful lake Braes के सामने. और reflection आप देख पा रहे हैं कि नहीं? This is the reflection of the mountain over the lake. वैसे ये चल रही है हमारी Italy की travel series. और अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी इटली की ट्रैवल सीरीज पार्ट वन से देखिए, ताकि आपको पूरा हमारा स्टोरी समझ में आए, कैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे हमारा वेनिस ट्रिप था और कैसे हम इस प्लेस पे आए और हम कहाँ रुक रहे हैं. क्योंकि जो जगह रुक रहे हैं वो भी एक यूनिक होटल है, तो ज़रूर देखिएगा. अब बात करते हैं इस लेक की. ये जो लेक है इसका नाम तो हमने आपको बता ही दिया है, हो सकता है हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हों, बट द रिफ्लेक्शन इज मेकिंग इट मैजिकल. और ये जो लेक है ये डोलोमाइट में आता है इटली के अंदर, एंड इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेक. अगर आप इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव हैं तो आपने इस लेक Braes की फोटो एक ना एक बार जरूर देखी होगी, क्योंकि ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. और इसलिए यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं. बट हमारा जो होटल है वो पास ही था, तो हम लोग उठे मॉर्निंग में और 6:15 पे आ गए यहाँ पर. अच्छे से वॉक किया और पूरा उसको इन्जॉय किया और पिक्चर्स भी लिए इस प्लेस के और वीडियोस भी लिए, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे. सो नाउ आप इन्जॉय करिए और इस जगह की वीडियोस. आई होप आप लोगों को ये अमेजिंग प्लेस देख के मज़ा आया हो जैसे जितना मज़ा हम लोगों को आया था. आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि ड्रोन शॉट का है, सौरभ ने अभी तक ड्रोन फ्लाई क्यों नहीं किया. सो हियर कम्स द सेट पार्ट ऑफ द वीडियो.
मेरे स्माइलिंग फेस के पीछे मैं बहुत सैड हूँ क्योंकि कल मेरा ड्रोन क्रैश हो गया। हम आए होटल में और सोचा सौरभ ने इवनिंग टाइम है अच्छे से चलाते हैं ड्रोन और बट सौरभ ने ड्रोन चालू किया और चालू करते ही क्रैश हो गया। बट कैसे क्रैश हुआ वो सब आपको दिखाते हैं। सो आवर ड्रोन गॉट क्रैश्ड बट सी दिस वीडियो। तो हम लोग यहाँ ड्रोन चला रहे थे इस व्यू के लिए क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा व्यू आने वाला था इस व्यू के लिए। तो हमने सोचा लेट्स फ्लाई अ ड्रोन और यहाँ से चलाना शुरू किया। ये जो बेंच दिख रही है आपको इस बेंच से चलाना शुरू किया सौरभ ने और ड्रोन अपने आप ही किधर तो जाके क्रैश हो गया और सौरभ भागता हुआ गया है और आई नो ही विल बी वेरी अपसेट। अब मैं जाके चेक करती हूँ, बहुत देर हो गई, कुछ उसका समझ ही नहीं आ रहा है। सो आई विल गो एंड चेक कि हुआ क्या है, बट आई गेस ड्रोन क्रैश हो गया। लेट्स गो एंड चेक। माय ड्रोन इज क्रैश्ड। वो जो पेड़ है ना, उस पेड़ पे टॉप पे इधर कहीं वो ड्रोन अटक गया है। शायद आपको उस पे दिखे मेरे स्क्रीन पे, उसका कैमरा अभी भी चल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है वो सब कुछ, मगर इसके विंग्स फंस गए हैं बुरी तरह से। मैं काफी थोड़ा हाइट पर है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसको स्टोन मार के शायद पेड़ हिल जाए, बट वो इम्पॉसिबल है। और नीचे वैसे भी लेक है। फर्स्ट फ्लाइट थी मेरी यहाँ की और अच्छा फ्लाई होना चालू किया और अचानक उसका पूरा सिग्नल लॉस्ट हो गया और दो फिर वो मेरे कंट्रोल में था ही नहीं। फिर उसको विंड, वो किसी विंड के थ्रू चला गया आगे स्पीड बैक है, क्रैश हो गया। What a sad start of the mountain trip. समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ, उसको लाइट जल रही है, 37% बैटरी बची है, वो बंद हो जाएगी तो फिर लाइट भी नहीं चलेगी। पेड़ के ऊपर चढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि कैसे कर सकते हैं उसको ऊपर जाके। कल थोड़ा सा यहाँ पर रेनी सीजन है तो हो सकता है कि विंड थोड़ा चले और ये नीचे गिर जाए, पर नीचे गिर के भी ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ मैं क्योंकि नीचे लेक है, तो नीचे लेक में ही गिरेगा अगर गिरेगा भी तो। बट एनीवेज कल सुबह फिर आऊँगा देखने के लिए, अभी यहाँ कुछ मतलब नहीं है करने का। उसकी बैटरी, और खैर बैटरी तो उसकी जाएगी क्योंकि वो ऑन है उसकी बैटरी, और वो तब तक करता रहेगा ट्राई जब तक कि उसकी बैटरी पूरी नहीं चली जाए। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है ऑफकोर्स, इतना बार ड्रोन फ्लाई किया मगर ये एरर इस बार ऐसी आ गई कि कंट्रोल ही नहीं था। और दस अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ड्रोन लाइफ, इसको बोलते हैं गए 900 यूरो पानी में या पेड़ पे। ट्राई कर रहा हूँ मैं ये पत्थर से मार के, थोड़ा हाइट पर भी है, वहाँ पर पहुँच ही नहीं रहा। देखता हूँ पहले कहाँ पर है तो। हाँ ओके, यू कैन सी द सिग्नल। यस, वो रेड कलर का लाइट जल रहा है उस पर, रेड ग्रीन दोनों जल रहा है पेड़ पे, पर इट्स टू हाई कि पत्थर वहाँ पहुँच भी ना पाता है। ऐसे पेड़ है कि उस पर वो बिल्कुल बैठ गया आराम से पैरट की तरफ। टच हो जाएगा पत्ता तो शायद वो गिरेगा नहीं। एग्जैक्टली, तो छोटा पत्थर है तो कहाँ गया। ओके, नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। लाइट दिखी चलती हुई मुझे, अगर कोई होती मेरे पास सुपर पावर तो भी अपने हाथ लंबे करके उसको या उड़ के जाके ले आता। इसलिए सुपर हीरो का मूवीज नहीं देखना चाहिए। यार पूरा ट्रिप भी कैसे शूट करूंगा अपने ड्रोन से। इट्स ओके सौरभ,
और ऊपर से अब ड्रोन चला गया। ड्रोन का सिग्नल दिख रहा है यहाँ से। चला देखते हैं। अब तो इटली का मैच देखने में मजा नहीं आएगा। Let's go for dinner, नहीं तो भूखे भी मरेंगे। Yes, let's go. चलो guys, bye. इधर भी आ जाता ना, नहीं तो उधर जाकर उससे टकराता। But maybe height पे क्या, I could have thrown something ना। इस पहाड़ी पे चढ़ के तो नहीं थ्रो करना है। Not a bad idea. I was so excited about Dolomite and flying drone here. ठंड लग रहा है इसलिए जैकेट पहना है। एक शॉट से मेरे दिमाग में इतना था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा सब दिमाग खराब हो गया आपको। ठीक है सौरभ, अभी क्या कर सकते हैं ना, we can't do anything. I have to go somewhere and buy a new drone. No new drone, please. मुझे नहीं लगता हमें न्यू ड्रोन लेना चाहिए। But I understand कि Dolomites में बिना ड्रोन के तो कुछ मजा भी नहीं आएगा। और मेरी आवाज़ ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा माइक चल रहा है। और मेरा माइक भी, उसकी बैटरी चली गई है, मैं उसको कुछ चार्ज करने का मन नहीं है फिलहाल। देखा आप लोगों ने क्या हुआ कल हमारे साथ, ड्रोन क्रैश हो गया। तो अभी मैंने DJI से टिकट रेज किया है क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतने सालों से मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ और कई आवर्स तक मैंने ड्रोन फ्लाई किया है, पहले भी माउंटेन्स में किया है, लेक के ऊपर किया है, सी के ऊपर किया है, कभी कोई सिग्नल लॉस कुछ नहीं हुआ। मे बी कुछ फर्मवेयर अपडेट में कुछ इश्यू हो, वेल दे विल लेट मी नो, मैं आप लोगों को भी बताऊँगा क्या होता है। क्योंकि अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कुछ फर्मवेयर के वजह से हुआ है तो मेरा ड्रोन अभी भी वारंटी में है, देन आई विल गेट माई मनी बैक, सो फिंगर क्रॉस। बट हम लोगों का ट्रिप का थोड़ा इश्यू हो गया क्योंकि अभी हम जो सारे माउंटेन रेंज घूमने वाले हैं, जो हर जगह जाने वाले हैं, वो सब बिना ड्रोन शॉट के होंगे। सो आई एम समथिंग थिंकिंग अबाउट इट, क्या कर सकते हैं। बट इट्स टाइम टू हेड बैक टू अवर होटल एंड स्टार्ट अवर डे। 6:15 पे आए थे और 8:00 हो चुका है, इतनी देर से यहाँ बैठे थे और इस जगह को इंजॉय कर रहे थे। 9:00 पे तो और भी टूरिस्ट आ जाएंगे, अभी टूरिस्ट आ चुके हैं, बोट्स यहाँ पे चलने भी लगी है। ये देखो चार लोग चला रहे हैं बोट और शोर भी मचने लगा है। बट इट्स टाइम टू गो फॉर ब्रेकफास्ट, जैसा सौरभ ने बताया ही था, तो जाते हैं। जैकेट्स पहने थे अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठंड नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ फोटोज़ के लिए जैकेट्स उतारे थे। ठंड है यहाँ पर, 11 degrees है, सो यू नीड योर जैकेट्स। सो वी आर एट ब्रेकफास्ट टेबल, माइक नहीं पहना है तो शायद आवाज़ का प्रॉब्लम होगा, बट मेरा लास्ट बाइट ऑफ कॉर्नफ्लेक्स। And we have got this bun and butter. Life of a vegetarian. वैसे बहुत सारे fruits थे और मुझे fruits का इतना शौक नहीं है, but सौरभ ने भर के fruits already खा लिए, but I'll have this bun. Where are you going, Saurabh? एक बार वापस आके drone देख लूँ, शायद रात में हवा हवा चल गई हो या कुछ हो गया हो, weight balance और नीचे गिर गया हो, तो at least मुझे कुछ तो दिखेगा उसका। We'll go and just try once, my luck. Okay. सौरभ को लग रहा है कि शायद नीचे गिर गया हो बाय चांस, तो वो देखने गया है। डिड यू फाइंड इट? नो, कैन आई क्लाइंब ऑन दिस ट्री? आई डोंट थिंक सो। या इतना ये कभी किया है क्लाइंब, ट्री पे क्लाइंब, और वो भी इस ट्री पे? इतना उस पे इतने ज्यादा ब्रांचेस है इस ट्री पे कि मुझे ऊपर तक दिख नहीं रहा क्लियर। तो इसको बोलते हैं 1000 यूरो का चूना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा था। देख रहा हूँ उस पेड़ के ऊपर
देख तो नीरा, कल उस पर लाइट भी फ्लश हो रही थी, अब तो उसकी बैटरी भी चली गई होगी क्योंकि कल 35% बैटरी बची थी। उस ऊपर है उस ट्री पे, और मुश्किल ही, अब तो दिखेगा भी, दिख भी गया ना सौरभ, तो अपन किसी भी तरीके से उसको निकाल नहीं सकते। निकाल तो नहीं सकते, उस पर ही बात तो है, कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह तआला लोग खुद गिर जाए, और वो खुद गिरेगा नहीं कभी। उसी होप पे था कि वो शायद गिर जाए, मगर कुछ हवा चली नहीं आज। आज शाम को है थंडरस्टॉर्म, देखते हैं कुछ होता है क्या। ये हमारा होटल है और इसके पीछे जो दिख रहा है ना, ये हमारा माउंटेन है और ये मेरी कार है, बट ऐसा लग रहा है जो चीज़ एक वायरल हुई थी, बट कार इसलिए दिखा रही थी मैं क्योंकि शायद दिखाई नहीं थी, एक तो ये रीज़न, ये हमारी छोटी सी कार है और हम जा रहे हैं क्योंकि सौरभ बहुत ही सैड हो रहा है और वो बोल रहा है मैं जाऊंगा क्यों डोलोमाइट से, अब ड्रोन शॉट ही नहीं होंगे और मैं ड्रोन नहीं चला पाऊंगा। तो सौरभ का जो फेवरेट टॉय है ड्रोन, वो टूट गया है और इसलिए सौरभ को नया ड्रोन दिलाने जा रहे हैं, विच इज़ वी हैड अ वेरी बैड डे यस्टरडे ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ 2016 से और कभी ऐसी गलती नहीं हुई, और पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, कभी ऐसा क्रैश भी नहीं हुआ, ऐसा कोई क्लोज मोमेंट भी नहीं हुआ कि अभी क्रैश होने वाला है। बट मैं यही सोचती थी अगर मम्मी पापा होते तो अपन को क्या नया ड्रोन फ्लाई करने लेने देते तो अभी हम हमारे मर्जी के खुद के मालिक हैं, इसलिए हम वो नया ड्रोन लेने जा रहे हैं। वैसे मैं अगर मैं भी होती तो ना मैं भी डांटती एक्चुअली, सही बात तो यही, बट सौरभ इतना सैड हो रहा है, सो इट्स ओके, कभी कभी खुशियों के लिए कुछ करना पड़ता है, तो जा रहे हैं फिर से ड्रोन लेने। बट क्वेश्चन ये है कि हम ड्रोन लेने कहाँ जाने वाले हैं। अगर आपको जानना है कि हम ड्रोन लेने कहाँ जा रहे हैं, क्या इटली के इस रीजन में हमें ड्रोन मिल रहा है कि हम कहीं और ही जा रहे हैं, वो सब जानना है तो आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। बहुत खुशी खुशी बोल रही हूँ बट सैड हूँ, और क्या कर सकते हैं, समटाइम इट हैपेंस बट वी हैव टू मूव ऑन एंड वी हैव टू थिंक फॉर द फ्यूचर, क्योंकि हमने बहुत डिस्कस किया कि लें कि नहीं लें, अब हम ट्रैवल करेंगे तो ड्रोन तो हम यूज़ करेंगे। हाँ, इस सीरीज में नहीं चाहिए होगा तो फिर नेक्स्ट सीरीज जहाँ जाएंगे वहाँ भी चाहिए होगा, तो ड्रोन ले रहे हैं, बट कहाँ जा रहे हैं ड्रोन लेने के लिए वो देखना है, तो आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। बट ये सैड सा वीडियो, वैसे हमने आपको बहुत अच्छा लेक दिखाया, तो इट्स नॉट कम्प्लीटली सैड, इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस एज वेल, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बट डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक फॉर आवर ड्रोन, जो जिसने हमको स्विट्जरलैंड में और नेदरलैंड्स में इतने अमेजिंग शॉट दिए थे, शायद इट विल नेवर कम बैक, बट हु नोज, शाम को शायद वो गिर जाए पेड़ से, बट कम से कम उस ड्रोन के लिए तो लाइक कीजिएगा ये वीडियो। हाँ, और अगर हुआ सब कुछ फिंगर्स क्रॉस्ड, तो हम नया ड्रोन लेकर आ जाएंगे, सेम ही वाला ड्रोन लेके आने वाले हैं, और इस बार सारा सेटअप तो है ही, तो सिर्फ ड्रोन लेके आना है, सो कीप वॉचिंग अवर जर्नी टू द न्यू स्टोर ट्रू। और आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सौरभ बता ही चुका है, और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं करा है तो पक्का सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो फॉलो कर ही सकते हैं। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।